मोमीज़, वेलकम टू माई चैनल मॉम एंड डैड। सो आज का टॉपिक है कि हम अपने बच्चों को मच्छरों से कैसे बचा सकते हैं और उन्हें मॉस्किटो बाइट हो जाए, मच्छर उन्हें काट लें, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो जल्दी ठीक हो जाए। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वीडियो में मैं जो आपको ऑइंटमेंट बताऊँगी मच्छर मॉस्किटो बाइट के लिए, वो 100% वर्क करेगा। वो बहुत ही अच्छा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सो आप वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके बच्चे को मॉस्किटो बाइट हुआ हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मॉस्किटो बाइट को ट्रीट कैसे करा जाए, इसके बारे में बात करें। इससे पहले हम बात करते हैं कि हम मच्छरों से अपने बच्चों को बचाएं कैसे कि ऐसी नौबत आए ना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मच्छरों से जो आजकल बीमारियाँ हो रही हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, वो कितनी डेंजर्स हो सकती हैं अगर हम अपने बच्चे की केयर अच्छे से ना करें, अगर हम पहले से ही केयरफुल ना रहें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप अपने बच्चों के आसपास सफाई करिए, सफाई रखिए। जहां वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहां बहुत अच्छे से सफाई रखिए। रोज़ फिनाइल या मोपिंग अच्छे से करिए, टाइम टाइम पे उसकी सफाई करते रहिए, जिससे कि वहाँ पे मच्छर ना हो। क्योंकि बच्चों के साथ तो मैं भी जानती हूँ इतना पॉसिबल नहीं होता है कि उन्हें एक जगह बिठा के रखा जाए, बट जितना पॉसिबल हो सके उतनी सफाई रखिए। दूसरा है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मच्छर जो है रात में ही ज़्यादा काटते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी एकदम स्टे रहती है, मतलब इतना ज़्यादा मूव नहीं कर रही होती है। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तब तो आप ये नेट यूज़ कर सकते हो अपने बच्चे के आसपास, जब वो सो गया हो तो आप इसको लगा सकते हो। बट अगर बच्चे बड़े हैं तो ये काम नहीं करेगी, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि बच्चे इतना रोल होते हैं पूरे बेड में सोते समय, तो ये काम नहीं करेगी। बट हाँ, अगर छोटे हैं तो आप इनको ज़रूर यूज़ करिए, और सोते टाइम पर बच्चों को उड़ाइए ज़रूर, मतलब उन्हें थोड़ा सा कवर रखिए, क्योंकि कवर रहेंगे तो इतनी जल्दी बाइट बच्चों को नहीं होगी मॉस्किटो की। और अगर एसी में हैं तो आप थोड़ा पतला सा ब्लैंकेट उड़ा सकते हैं, अगर फ़ैन पर हैं तो भी आप पतला सा कुछ चादर वगैरह उड़ा सकते हैं अपने बच्चे को। दूसरा है कि ये मच्छरों के लिए ये पैचेस आते हैं, ये देखिए, ये ओडोमास के पैचेस हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, दिखते भी बहुत अच्छे हैं और 100% सेफ़ रहते हैं अगर बच्चे हाथ भी लगा लें या कुछ भी, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके बच्चे जहाँ भी सोते हों, उनके पिलो पे, उनकी शीट पे या फिर उनकी कॉट पे, जहाँ भी बच्चे सोते हों आप इसको लगा सकते हैं, 2-3 लगा सकते हैं और 1-2 दिन में चेंज कर सकते हैं। ये 100% सेफ भी हैं और वर्क भी करते हैं, क्योंकि हम बच्चों के साथ हम कुछ भी स्प्रे या कुछ हार्मफुल ऐसा नहीं लगा सकते, या कुछ वो जो अगरबत्ती या मच्छरों की जो आती है जलाने की, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका स्मोक या स्प्रे सब हार्मफुल रहेगा बच्चे के लिए। हाँ, अगर आप थोड़ा सा नेचुरल जाना चाहें तो जब आपका बच्चा बाहर गया हो तो थोड़ा सा कपूर में थोड़ी सी लौंग डाल के आप उसका स्मोक जहाँ बच्चा सोता हो उसके रूम पर दे सकते हैं। बट जब बच्चा बाहर गया हो और उसके भी आधे एक घंटे बाद जब बच्चा एंटर करे, जिससे उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम ना करे, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तीसरा, आप ओडोमास के ही या फिर बहुत सारी कंपनीज के क्रीम, मॉस्किटो क्रीम और रोल, फैब्रिक रोलर्स आते हैं, आप उसे लगा सकते हैं और वो भी वर्क करते हैं बच्चे के साथ। क्योंकि जब बाहर बच्चा जाता है तो हम उसको ऐसे नहीं रोक सकते, वहीं पर ज़्यादा मॉस्किटो बाइट का खतरा हो सकता है, तो वहाँ हम नहीं रोक सकते। हाँ, अगर आप प्रैम वगैरह में लेकर जाते हैं तो इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये तब तक ही जब तक आपका बच्चा छोटा है। अदरवाइज़ आप वो फैब्रिक रोल ऑन और वो क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको वो दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो क्रीम और रोल ऑन कहीं रख दिया है, क्योंकि अभी थोड़ा यहाँ मॉस्किटो का कम है खतरा, इसलिए मैंने अभी कहीं रख दिया है। अदरवाइज़ मैं आपको उसकी पिक्चर ज़रूर शेयर कर लूँगी, जिससे आप अगर उसे परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये दो चार तरीके हैं जिससे हम बच्चों को बचा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी मॉस्किटो बाइट अगर आपके बेबी को हो जाती है, तो ये क्रीम है, ये ऑइंटमेंट है, ये देखिए,
अगर आप इसको देख पा रहे हो, इसका नाम है नोस्प्रोइन। इसको आप यूज़ करिए, अगर बच्चे की मॉस्किटो बाइट अगर आपने तुरंत देख लिया और तुरंत इसको अप्लाई कर दिया तो विद इन अ आर ही वो सही हो जाएगी। और अगर जैसे आप नहीं देख पाए हो या रात में सोते समय हो गए, आपने सुबह देखा, तो आप इसको अप्लाई करो, ये एक दो दिन में मॉस्किटो बाइट को एकदम ख़त्म कर देती है। और बहुत ही अच्छी है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ही ईजिली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में 50-60 रुपीज़ की मिल जाएगी। तो आप इसको यूज़ करो, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आपको पता है मैं हमेशा बजट लो बजट ही प्रोडक्ट आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी वही यूज़ करती हूँ। क्योंकि सारे पेरेंट्स नहीं होते हैं जो हर तरह के प्रोडक्ट यूज़ कर पाएँ, सो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये बहुत ही अच्छी है, आप इसको लगा सकते हो। और ये 100% सेफ भी, अगर बच्चा मुंह में भी हाथ ले लेता है सोते समय या कुछ भी, अच्छा है कि आप सोते समय लगाओ, अगर वैसे भी लगाते हो और बच्चा मुंह में हाथ वगैरह ले लेता है तो इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप ये चीज़ें हैं जो अपने बच्चे के साथ मॉस्किटो बाइट हो तो आप उसको ट्रीट कर सकते हो। सो और कुछ आपको पता हो, और मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर आप नेचुरल तरीके से जाना चाहते हो, ये नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो भी आप कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा कपूर डाल के जहाँ भी बच्चे की मॉस्किटो बाइट हुई है वहाँ पर लगा सकते हो। उसमें हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो भी अफेक्ट करेगी आपके बच्चे को। सो थैंक यू, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा मेरे नए वीडियो के अपडेट्स के लिए। Thank you, bye-bye.